दोस्तों, जनवरी 2022 के लिए GSTR 3B को फाइल करते हुए या फिर क्वार्टली के केस में टैक्स की पेमेंट आपको मंथली करनी है, उस केस में आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट GSTR 2A से लेना है या फिर 2B से आपको क्लेम करना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको रूल 36 सब रूल 4 को रेफर करना है, जो कि 1 जनवरी 2022 से अमेंड किया गया है। यानी कि अब कोई भी रजिस्टर्ड व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट तब भी क्लेम कर सकता है यदि उसके सप्लायर के द्वारा GSTR 1 या IFF में इनवाइसिस और डेबिट नोट्स अपलोड कर दिए गए हैं और रिसिपियंट को यह डिटेल कम्युनिकेट कर दी गई है GSTR 2B में। इस प्रकार दोस्तों, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप GSTR 3B फाइल करेंगे या फिर मंथली टैक्स पे करते हैं, तो उस केस में आपको सिर्फ GSTR 2B से ही इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है। दोस्तों, GSTR 2B की कट ऑफ डेट होती है, यानी कि यदि आपका सप्लायर मंथली फ्रीक्वेंसी पे रिटर्न फाइल करता है, तो उस केस में जो उसने आपकी GSTR 1 या IFF में डिटेल दिखाई है 12 जनवरी 2022 से 11 फरवरी 2022 तक, वो आपकी डिटेल GSTR 2B में आ जाती है। और यदि आपका सप्लायर क्वार्टली फ्रीक्वेंसी पे रिटर्न फाइल कर रहा है, तो उस केस में 14 जनवरी से 13 फरवरी 2022 तक उसने जो IFF में डिटेल अपलोड की है, उसकी डिटेल आपको GSTR 2 में दिखाई देगी। नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी यही डेट है। और यदि आपने इम्पोर्ट किया है फ्रॉम ओवरसीज, तो उस केस में जो डेटा रिसीव किया गया है 13 फरवरी 2022 तक, और SEZ के केस में भी 13 फरवरी 2022 का डेटा आपका आ रहा होगा GSTR 2B में। दोस्तों, GSTR 2B का डेटा देखने के लिए आपको GST पोर्टल पे लॉगिन करना है, सर्विस टैब में जाना है, रिटर्न में जाना है, रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है। यहाँ पे आप फाइनेंशियल सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्वार्टर सिलेक्ट करेंगे जनवरी से मार्च का, और यहाँ पे पीरियड आपको जनवरी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि जो GSTR 2B का इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको यहाँ पे व्यू के लिए उपलब्ध हो गया है। इस प्रकार अब आपको GSTR 2A का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेना है, बल्कि GSTR 2B से ही ITC क्लेम करना है। और यदि आपका सप्लायर क्वार्टली बेसिस पे GST 1 फाइल करता है, तो उस केस में आप उसे कह सकते हैं कि वो इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी यानी कि IFF के द्वारा B2B की डिटेल अपलोड कर दे, ताकि वो आपके GSTR 2B में यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए और आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएँ। तो फ्रेंड, जब आप अपने GSTR 2B को ओपन कर लेंगे, तो उस केस में सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू दिए गए हैं, इन्हें आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि किन सप्लायर ने आपकी इनवाइसिस जो है वो अपलोड कर दी है। यहाँ पे B2B इनवाइसिस पे आप क्लिक कर लीजिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आप सप्लायर वाइज डिटेल भी चेक कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इनवाइस नंबर के सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया गया है, आप इसे क्लिक कर सकते हैं और नीचे से यहाँ स्क्रॉल बटन से स्क्रॉल कर सकते हैं। इस प्रकार आप हर सप्लायर का जो डेटा है वो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे डाउनलोड एक्सेल का बटन दिया गया है, आप इसे एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके ध्यान रखना है कि यदि टैक्स पेयर के द्वारा क्वार्टली GSTR 3B फाइल की जाती है, तो उस केस में उसे जो टैक्सीज हैं मंथली ही पे करने होते हैं। तो इस केस में आप GST पोर्टल पे जाएंगे, सर्विस टैब में जाएंगे और यहाँ पेमेंट में जाएंगे, क्रिएट चालान पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टली रिटर्न की ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो उस केस में आप फाइनेंशियल ईयर 2021-22 सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ही जनवरी का पीरियड सेलेक्ट करते हैं, तो उस केस में आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं कि आप 35% चालान पे करेंगे या फिर चालान सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे पे करेंगे। तो ये टैक्स पेयर को ऑप्शन दी गई है। तो ये जो 35% चालान होता है वो आपको 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक पे करना है, यानी कि जनवरी 2022 का 25th फरवरी 2022 तक आपको पे करना है। जो पिछले क्वार्टर में आपने टैक्स पे किया है उसका 35% अमाउंट आपको यहाँ पे करना है। या फिर दूसरी ऑप्शन होती है, जो क्वार्टली रिटर्न फाइल करते हैं GSTR 3B की, यानी कि जिनकी टर्नओवर के 5 करोड़ रुपए से कम है और उन्होंने क्वार्टली GSTR 3B को फाइल करना ऑप्ट किया है, तो वो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे भी चालान को बना सकते हैं। दोस्तों, वो जब ये सेल्फ असेसमेंट करेंगे, तो उसके इसमें जो GSTR 2B में इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है वही आपको लेस करना है, और उसके अकॉर्डिंग जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी उसे आप सेल्फ असेस करके पे कर सकते हैं। लेकिन यदि बाद में पता चलता है कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा थी, तो उस केस में आपसे इंटरेस्ट भी रिकवर किया जा सकता है।
दोस्तों यदि आपके GSTR 2B में सप्लायर की इनवॉइस नहीं आ रही है, यानी कि सप्लायर ने GSTR 1 या IFF फाइल नहीं किया है, तो उस केस में आप GST पोर्टल का यूज़ कर सकते हैं। सब्सिडी टैब में जाके आप यूजर सब्सिडी में जाएंगे और यहाँ पे कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर की ऑप्शन दी गई है, इसे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये मैसेज कंपोज कर सकते हैं और सप्लायर को इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं कि कौन सी ऐसी इनवॉइसेज हैं जो कि आपकी GSTR 2B में नहीं आ रही है। दोस्तों आपको GST एक्ट के अंतर्गत इंटरेस्ट भी पे करना होता है। यदि आप गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लेते हैं, यूटिलाइज भी कर लेते हैं, लेकिन यदि आपके द्वारा ITC सिर्फ अवेल किया गया है, यूटिलाइज नहीं किया गया, यानी कि GSTR 3B में आपने क्लेम तो किया लेकिन सेट ऑफ नहीं किया है, तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया गया है और साथ ही उसे यूटिलाइज भी कर लिया गया है, यानी कि GSTR 3B में क्लेम करके उसे सेटअप भी कर लिया गया है अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से, तो उस केस में अब उसे इंटरेस्ट पे करना होगा सिर्फ 18%। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति GST की पेमेंट करने के लिए लायबल होता है लेकिन वो टाइमली GST की पेमेंट नहीं करता है, यानी कि GST की रिटर्न 3B टाइमली फाइल नहीं करता है, या क्वार्टली के केस में मंथ के ख़त्म होने के बाद 25th डे तक GST की पेमेंट नहीं करता है, तो उस केस में उसे इंटरेस्ट भी रिकवर किया जाता है जो कि 18% होता है। दोस्तों यदि आप GSTR 3B को ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस भी पे करनी पड़ती है। इस केस में डिपेंड करता है कि क्या आपकी रिटर्न में टैक्स पेबल है या फिर नील रिटर्न है। नील रिटर्न के केस में सेपरेट लेट फीस है, टैक्सेबल रिटर्न के केस में सेपरेट लेट फीस है। यदि नील रिटर्न है तो आपको 20 रुपीज़ पर डे की लेट फीस पे करनी होती है, यानी कि 10 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 10 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत। लेकिन यदि आपकी टैक्सेबल रिटर्न है तो 50 रुपीज़ पर डे की लेट फीस पे करनी होती है, यानी कि 25 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत, 25 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत। यदि नील रिटर्न है तो उस केस में जो मैक्सिमम लेट फीस आपकी बनती है वो सिर्फ 500 रुपीज़ तक ही रहती है, यानी कि 250 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 250 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत। लेकिन यदि आपकी टैक्सेबल रिटर्न है तो उस केस में जो मैक्सिमम लेट फीस होती है वो डिपेंड करता है कि आपकी एग्रीगेट टर्नओवर क्या थी प्रीसीडिंग ईयर में। यदि वो 1.5 करोड़ रुपीज़ तक थी तो उस केस में जो मैक्सिमम लेट फीस होगी वो 2000 रुपीज़ तक ही रहती है, यानी कि 1000 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 1000 SGST एक्ट के अंतर्गत। और यदि आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा थी लेकिन 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो उस केस में मैक्सिमम लेट फीस 5000 रुपीज़ की रहेगी, यानी कि 2500 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 2500 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत। यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ से एक्सीड हो जाती है प्रीसीडिंग ईयर में तो मैक्सिमम लेट फी 10,000 रुपीज़ है, यानी कि 5,000 CGST एक्ट के अंतर्गत और 5,000 SGST एक्ट के अंतर्गत। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो GST की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA26 टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।